हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल होने वाला है गाइज आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 पावरफुल वेबसाइट्स जहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए डोफोलो बैकलिंक गेन कर पाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब चलते हैं हम हमारी फर्स्ट वेबसाइट की तरफ। और हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है वो है ptix.com। एंड अगर इस वेबसाइट की पेज अथॉरिटी की बात करूं तो पेज अथॉरिटी 69 है, डोमेन अथॉरिटी 89 है एंड स्पैम स्कोर ओनली 1% है। साथ ही साथ सिमिलर वेब पे अगर हम इस वेबसाइट के स्टेट्स चेक करें तो 58.45% का बाउंस रेट है, 3.24 पेज पर विजिट है, 3.2 मिलियंस का मंथली ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे एंड 2.35 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। 1543 कंट्री रैंक है जापान में एंड 5 कैटेगरी रैंक है। एंड टॉप 5 कंट्रीज जहां से ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे वो हैं जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया एंड इंडिया। 51.34% का डायरेक्ट ट्रैफिक है, 20.73% का सर्च इंजन से ट्रैफिक है, बाकी सोशल, रेफरल, ईमेल एंड स्पेड से है ट्रैफिक। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और आप चाहें तो अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको आपका नेम दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जाएंगे अकाउंट सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है। इसके बाद अवतार इमेज अपलोड करेंगे आप और यहाँ पे आप अपने बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। मेक श्योर कि आपको प्रोफाइल प्राइवेसी पब्लिक रखना है और ये सारी सेटिंग्स आप सेव कर देंगे। इसके बाद फिर से आप अपने नेम पे जाएंगे और पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी सेटिंग्स भी अपडेट हो चुकी हैं। तो अगर मैं ये लिंक आपको चेक कराऊंगा इस, तो ये 100% डोफोलो बैक लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो फॉलो का टैग आपको नहीं मिलेगा, ये 100% डोफोलो बैक लिंक। तो यहाँ से आप इस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए डोफोलो बैक लिंक गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सेकेंड वेबसाइट की तरफ। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे बैकलिंक से रिलेटेड बहुत बड़ी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इसमें अराउंड 156 वीडियोस अभी तक अपलोडेड हैं और हर वीडियो में मैंने 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 बैकलिंक हर वीडियो में आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आप ये वीडियो मेरे चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए ये बैकलिंक जाके क्रिएट कर सकते हैं। एंड हमारी जो सेकंड वेबसाइट है वो है rctech.net/forum। एंड इस वेबसाइट की पेज अथॉरिटी 54 है, डोमेन अथॉरिटी 55 है एंड स्पैम स्कोर ओनली 7% का है। साथ ही साथ अगर सिमिलर वेब पे हम इसके स्टेट्स चेक करें तो काफ़ी अच्छे स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 62.82% का बाउंस रेट है, 269K मंथली ट्रैफिक है एंड 2.13 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। 43,450 कंट्री रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स में एंड 360 कैटेगरी रैंक है एंड 66.63% का जो ट्रैफिक है खाली यूनाइटेड स्टेट्स से है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी से ट्रैफिक है। यानी कि आप देख सकते हैं टॉप 5 कंट्रीज से ट्रैफिक है इस वेबसाइट, जिसमें कि 61.32% का सर्च इंजन से ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक 35.76% का है, बाकी ईमेल, सोशल एंड रेफरल से है इनका ट्रैफिक। तो इस वेबसाइट पे भी सबसे पहले आपको साइन अप करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस देंगे और इनकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराना है और अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो जाना है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लॉग इन करूँगा एंड यहाँ पे मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। आप यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जाएंगे आप एडिट योर डिटेल्स के अंदर और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम पेज यूआरएल का, तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया हैंडलर के यूआरएल भी यहाँ पे आप दे सकते हैं।
नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक करके ये सारी सेटिंग सेव कर देंगे। इसके बाद फिर से यूजर नेम पे जाएंगे और इसके बाद माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सेटिंग है वो यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे सोशल प्रोफाइल्स के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो URL है वो आ चुका है। और अगर इसे भी मैं आपको इंस्पेक्ट पे जाके चेक कराऊंगा गाइस, तो ये भी 100% इंडेक्सेबल डू फॉलो बैक लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डू फॉलो बैक लिंक। एंड हमारी जो थर्ड वेबसाइट है वो है jewelneverbroken.com/members। एंड इस वेबसाइट की अगर मैं अथॉरिटी आपको चेक कराऊंगा गाइस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अथॉरिटी इस वेबसाइट की 36 है, डोमेन अथॉरिटी 38 है एंड स्पैम स्कोर 0 है। साथ ही साथ अगर सिमिलर वेब पे हम इस वेबसाइट के स्टेट्स चेक करें तो 31.71% का बाउंस रेट है, 1.1K मंथली ट्रैफिक है एंड 36 सेकेंड की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। एंड इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा से है, 73.84% का डायरेक्ट ट्रैफिक है एंड 26.16% का सर्च इंजन से ट्रैफिक है। तो सबसे पहले आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। आप चाहे तो अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पे जाना है और इसके बाद आप जाएंगे पर्सनल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देंगे। इसके बाद मिनी बायो में एक शॉर्ट नोट आप दे सकते हैं। इसके बाद अबाउट मी सेक्शन मिलेगा, इसमें भी आप एक शॉर्ट नोट आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको पर्सनल लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप मल्टीपल लिंक्स दे सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं तो उनके URL आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और ये सारे चेंजेस आप सेव कर देंगे। इसके बाद फिर से प्रोफाइल पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको आपका नेम दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है और यहाँ पे हमारे लिंक्स भी आ चुके हैं। तो अगर मैं वन बाई वन इनको चेक करूँ इंस्पेक्ट पे जाके गाइज, तो ये 100% इंडेक्सेबल डू फॉलो बैक लिंक्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 100% डू फॉलो बैक लिंक है। और अगर सेकेंड बैक लिंक में आपको चेक कराऊँ तो ये भी 100% डू फॉलो बैक लिंक। तो गाइज ये तीन वेबसाइट्स थी जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए 100% डू फॉलो बैक लिंक गेन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी एंड ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं।